हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, मैं हूं आपका साथ तरुणी और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए मेरे चैनल में बने रहिए आप लोग। आज आपको दिखाने वाले हैं हम एक फूल के बारे में, फूल जो होली का रंग बनता है। अभी तो होली का सीजन पहुँच चुका है और देर नहीं है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं एक फूल जो है परस पेड़ का फूल। तो देखिए ये इधर गाइस, ये जो है परस पेड़ का फूल, ये फूल बहुत खूबसूरत है देखने में, बहुत खूबसूरत है देखने में। ये जो फूल है, ये फूल आप नज़दीक से थोड़ा दिखिएगा तो आपको और देखने में बढ़िया लगेगा। देखिए कितना मस्त लग रहा है, लाल लाल है और ये साल में एक बार होता है, देखने में बहुत मस्त लगता है। तो गाइस, ये जो फूल है, ये फूल इसमें हम लोग जब छोटा थे तो हम लोग इसमें रंग बनाते थे। जैसे कि ये जो फूल है इसमें रंग बनाते थे, क्या रंग बनाते थे हम लोग, जैसे कि पिचकारी। जब हम लोग छोटा थे तब पिचकारी नहीं था हम लोगों के पास, तो क्या करते थे हम लोग, बोतल को छेदा करके उसके बाद उसमें ये इसको पीस के इसका रस को निकल के और इसको डाल के हम लोग पूरा रंग बनाते थे। फिर ई रंग, इसका रंग अगर थोड़ा चूना डाल दीजिएगा, चूना डालने के बाद अगर ई रंग आप लगा दीजिएगा किसी को होली में, तो उसका फिर छूटेगा नहीं रंग, तो इतना इसका पावर है। तो चलिए गाइस, ये जो फूल है परस का फूल, ये फूल का रस भी थोड़ा पी लेते हैं, ये पीने के लिए भी अच्छा है, मीठा लगता है। तो चलिए और तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये पीने के बाद बहुत मस्त लगता है, तो देखिएगा जब हम आपको पी के दिखाते हैं। मस्त लग रहा है गाइस। अब एक एक करके बहुत खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा देख के इसमें कीड़ा मकड़ा भी थोड़ा। गाइस, आपको आज हम फूल का परस पेड़ का फूल का जो दिखा रहे हैं, देखिएगा ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और आपको हम दिखाएंगे अच्छा से। जैसे कि आपका गांव का सामने अगर होगा तो आप तोड़ के पीस के खा सकते हैं या इसका फूल का रस आप पी सकते हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा नहीं पीना है, ज़्यादा पीने से दिक्कत। चलिए गाइस, आपको हम दिखा रहे हैं इसे 10 तक जरूर वीडियो में बने रहिए।